हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। एंड जैसे कि आपको पता है, गर्मी है और ना देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। देखिए पेड़ हिल रहे हैं, ठीक है, एकदम गर्म हवा चल रही है। ऊपर ना आने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि जब शाम से हो जाए तब थोड़ा दिल करता आने का। पर मुझे अभी इसी वक्त देखना, बारिश की वजह से ना कितनी ख़राब हो गई है शेप। हल्की सी बारिश आई थी, हालांकि ज़्यादा टेक्सचर में डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड देखिए इनकी बस ना एक दो ये और ये तीन देखिए और ये चार, यही बारिश के पहले के टेक्सचर हैं। बाकी सब मैंने न्यू बनाए हैं, ठीक है। और इतनी तेज़ हवा चलती है ना, पता नहीं मैंने इतनी बड़ी वेट क्यों करा। इतनी तेज़ हवा चलती है दोपहर को, सारा सामान देखोगे कितनी दूर हो रही है। ये देखिए मेरा दुपट्टा, मैं जो दुपट्टा लाई हूँ ना, ये देखिए इतना उड़ा उड़ा जा रहा है। इसमें ना मैं सोच रही हूँ, जो देखिए कितनी धूल हुई पड़ी है, ये डिब्बा ना मैंने वहाँ रखा था, यहाँ पहुँच गया। अभी जो हाड़ू लगाई थी मैंने कल परसों, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा इसको। या तो मैं इसमें बहुत सारा सीमेंट ऐड करूँगी रीयूज़ है, या फिर मैं इसको डेकोरेशन में, जैसे मैं वो करती हूँ ना, ऐसे यूज़ कर लूँगी। और मैं ना कल आज सुबह ऊपर आई थी, देखिए एक तो ये पानी भरा है मैंने, कि जैसे मैं धोती हूँ ना अपने टेक्सचर्स, मतलब सॉरी टब वब, उसका पानी गया है। और आज मैंने अपनी सभी शेप्स धोई, मैं इसमें पानी लिया और सारे को रगड़ा, धोया अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे रख दी थी क्योंकि बहुत धूप होती है ना। सभी बर्तन आज मैंने अपने सभी धो लिए, अब मैं भी बस वीडियो बना लूँगी। 5:20 हो रही है, देखिए बस इतनी कुछ शेप है मेरे पे, बस ये छोटा सा टब, और तो लेनी है मैंने आज या कल में, मैं और शेप्स ले लूँगी। कितनी हवा चल रही है, अब देखो अब इतनी तेज़ हवा चल रही है, अगर जो मैं अब वीडियो बनाने बैठूँगी जर 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 आवाज़ आएगी है। और जब ये हवा थमेगी तब तक मंदिर में भजन चालू हो जाएंगे, है ना। मैंने सोचा एक बार ब्लॉग बना के बताई दूँ, देखो अच्छा वही पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं है, जो ये बड़े हो जाते हैं ना, इस इनके पत्ते पूरी छत पे आते, क्योंकि जब ये बहुत पहले जब मैंने क्रमिंग स्टार्ट नहीं की थी ना, ये पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे, और ना पूरा ये इतना एरिया ना पूरा पत्तों से भरा रहता था, चाहे कितने महीने में 2-3 बार झाड़ू मार लो। बहुत तेज़ हवा चल रही है, हमने ले लूँ वीडियो के लिए। इतना जोर नहीं, हाँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं बड़े बड़े 1, 2 और ये 3, मैं बड़ी बड़ी शेप्स ना ज़्यादा बना रही हूँ आजकल, क्योंकि ना गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाती हैं ये शेप्स, है ना। अब मैं सोचूँ, अगर जो आपको इन टब्स की सीरीज़ चाहिए ना, मैं इसकी सीरीज़ बना दूँगी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्रमलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पर ना ये एक साथ उठानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत हैवी है। आपको ये थोड़ी छोटी दिख रही होगी, बट ये बहुत हैवी है कि मैं इसे उठा नहीं पाऊँगी, है ना। तो इसीलिए ना क्या कहते हैं, उठा तो मैं इनको पाऊँगी नहीं, तो मैं इसकी ना ऐसे 4 टुकड़े करके, हिस्से करके कर लूँगी। जैसे आप बताना कि मैं किस चीज़ की सीरीज़ स्टार्ट करूँ, एंड मेरे को पता है मैं सीरीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं करती, मैं भूल जाती हूँ। पर हाँ, अगर अब मैं थोड़ा मैं फ्री हूँ ना, इस वजह से अब मैं कर सकती हूँ। अब मैं ना अभी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी और अच्छी, सभी जो जो आपको शेप चाहिए ना, आपको पता ही है मेरे पास कितनी शेप हैं। अगर जो आप न्यू हो तो आप मेरे जाके चैनल पे देख लेना, आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि मेरे पास कौन कौन से शेप हैं। और ना थोड़ी जाइंट शेप ही बताना, जैसे मिनी शेप होगी, गिलास वगैरह की, ये मत बताना,
मीन जाइन थोड़ी बड़ी शेप बताना ताकि मैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर सकूँ, और मैं अपना बहुत बेस्ट करूँगी उन सीरीज़ में। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपकी जो भी ख्वाहिश है, मैं जैसी भी रिक्वेस्ट है ना आपकी, प्लीज़ करिए। और अभी तो आपको मेरे टाइटल से पता लग जाता होगा कि मैं अब करती हूँ रिक्वेस्ट पूरी, ठीक है। ये देखिए मैंने कल ही बनाई थी ये, और इसके ऊपर इतना पानी था ना, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से सूख गई है ऐसे ना सर्दियों में। देखिए ये देखिए, वैसे वीडियो बनाने लायक तो है। सर्दियों में ना ऐसे टेक्सचर ना दो तीन दिन में होते थे मेरे, दो दिन में हो जाते थे, पर फिर भी मैं उन्हें एक्स्ट्रा धूप देती थी ताकि ना थोड़े ना अच्छे बने, थोड़े डस्टी से रहें। पर अब तो मैं ना तंग आ गई डस्टी से, वैसे सर्दियों में ही मैं तंग आ गई थी डस्टी से, है ना। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ वीडियो बनाने की, जैसे टब वब में पानी डाल देती हूँ जैसी मेरे को करनी है। अभी जो न्यू बनाई है ना, मेरा मन तो करे जो मैंने अभी लेटेस्ट शेप बनाई है ना इनकी क्रम्बलिंग करूँ, पर एक दो तीन चार पाँच छः पाँच टेक्चर पुरानी है, सो मैं अभी इनकी ही शेप बनाऊँगी। और ये देखिए रेड डॉट, मैं सुबह आई थी इसको बनाने और बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब 12-1 बजे आई होंगी, या नहीं 10 बजे आई थी मैं। हर बार मैं ना आपको इसी की क्रम्बलिंग दिखाती हूँ, क्योंकि इसको कल मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि इसमें बहुत पानी था, रात रात में इतना सही पानी हो गया ना। दिखाती हूँ मैं कितनी सॉफ्ट शेप बनाई है। देखिए सुबह बना के गई थी 10 बजे, देखिए